अगर हम और आप ये जो शिवाभिषेक करते हैं, शिव पूजन करते हैं, चाहे शिवलिंग के रूप में या शिव जी की मूर्ति के रूप में, वो जो देविक शक्तियां जिन देव होती है, स्पेशली जहां बहुत भक्त बहुत बड़ी संख्या में सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, या कोई बहुत बड़े तपस्वी ने, बहुत बड़े सिद्ध पुरुष ने जिस लिंग की मूर्ति की छवि की सेवा की है, वो सिद्ध हो जाती है और वहां भक्तों को सहज सिद्धियां प्राप्त होने लग जाती हैं। हमारे प्रिया कांजू के लिए लोग कहते हैं कि महाराज यहां हमने एक बार प्रार्थना की थी, हमारी प्रार्थना पूरी हो गई। कोई कहते हैं हमने 10 बार आए पर हमारी प्रार्थना नहीं सुनी। कोई कहता हम 15 बार भी नहीं आए महाराज, 5 ही बार आए थे, हमारा मनोरथ सिद्ध हो गया। अभी एक व्यक्ति आए हमारे पास, कल परसों की बात है, बोले महाराज जब यहां पहले आया था तब मुझे नौकरी नहीं मिली थी, लेकिन आपने कहा कि पूर्णिमा पे दीपक जलाओ, हमने दीपक जला दिया, वापस गए, 2-4 दिन में ही जो है जॉब का कॉल आ गया और हमें जॉब लगी, सरकारी जॉब लग गई। तो जहां पर सत्कर्म होते हो, ऐसे दिव्य अनुष्ठान होते हो, जहां भगवत भजन होता हो, जहां भक्त आकर सर टेकते हो, उन देव मूर्तियों में भी देवत्व जागृत हो जाता है और उनकी शक्तियां, उनकी पावर, जब हम कोई भी भक्त आकर उनसे कुछ मांगता है तो भगवान सहज भाव से उसको प्रदान कर देते। बोलो राधे राधे। ऐसे नहीं, जोर से बोलिए। तो